अजय जी, सबसे पहले आपसे M6 कॉटन के ऊपर चर्चा करना चाहूँगा। M6 कॉटन में हमने देखा है कि जो प्राइसेज हैं वो 45,000 के बाद अब 46,000 के ऊपर कारोबार कर रही हैं, 46,600, 46,800। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ से कभी भी शार्प करेक्शन बन सकती है या फिर जो प्राइसेज हैं अभी सीधा 50,000 की ओर ही जाएंगे? ठीक है, मुझे लगता है प्राइसेस में जो करेक्शन की हम उम्मीद रख रहे हैं वो स्विंग को देखते हुए रख रहे हैं कि प्राइसेस में स्विंग जैसे जैसे बढ़ेगी तो प्राइसेस में कूल ऑफ आना चाहिए। बट कहीं ना कहीं हम डिस्पैरिटी देखे, इंटरनेशनल में भी पोजीशन टाइट है, बैलेंस भी टाइट है, यहाँ पे हम देख रहे हैं डोमेस्टिक में वही सिनेरियो यहाँ पे भी है। तो आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा मटेरियल बड़ा फॉल हम क्वार्टर में देखे। हाँ, ये जरूर है कि जैसे हमने पिछले महीने देखा गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट ड्यूटी के ऊपर एक्शन लिया तो थोड़ा सेंटिमेंटल फॉल जरूर आया था, बट इंटरनेशनल में तेजी के कारण वो भी खत्म होता हुआ दिखाई दिया। तो वैसा कोई सपोर्ट, ऐसा कोई न्यूज अगर आता है तो फिर भी थोड़ा पुलबैक मिल जाए, बट दैट डजंट मीन्स के मार्केट डाउन रहेंगे। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि 48,500 तक का लेवल हम इसमें देख पाएंगे जी।